मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल तरीके के टमाटर प्याज के टू टाइप्स लच्छा पराठा शेयर करने जा रही हूँ। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 बड़ा साइज़ का प्याज, 6-7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च। तो इन सबको आपको रफली चॉप कर लेना है और फिर इन्हें मिक्सी के जार में डाल देना है। ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इन्हें आप नाश्ता में, लंच, डिनर, जिसमें भी आपका मन करे उसमें बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हरी मिर्च भी मैंने इसमें कट कर ली है। ढक्कन बंद कर दीजिए और इसे अब ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर ये मैंने इसे पीस के तैयार कर लिया है। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है हमें इसका। तो अब हम आटा लगा के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े बर्तन में 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें डाला है 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और मैं इसमें डाल रही हूँ घी। मैंने इसमें 4 चम्मच घी डाला है। आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 पिंच हींग और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इस सबको आपको मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लच्छा पराठा बनाने के लिए गेहूं के आटे का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मैदा से लच्छा पराठा बना सकते हैं या फिर आधा गेहूं का आटा आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। अब जो टमाटर प्याज हमने पीस के तैयार किए हैं वो हमें इसमें डाल देने हैं और अभी हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। अभी इससे ही हम आटा लगा के तैयार करेंगे और ज़रूरत के अनुसार फिर बाद में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। ये पिसे हुए टमाटर प्याज से ही अगर आपका आटा लग के तैयार हो जाता है तो आप पानी मत डालिए। अगर आटा इससे लग के तैयार नहीं हो पा रहा तो आप इसमें पानी डाल लीजिए। बहुत ही टेस्टी टमाटर प्याज के ये पराठे बनके तैयार होते हैं। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप प्याज और लहसुन स्किप कर सकते हैं, केवल टमाटर से भी ये लच्छा पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से गूंद कर आपको चिकना कर लेना है। कल हमने बहुत ही अच्छा लोच लगा लिया मैंने इसमें, 5-6 मिनट तक इसे गूंद लिया है और अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर मैं इसे कवर करके रख दूँगी 7-8 मिनट के लिए और फिर इसके बाद हम पराठे बनाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर 7-8 मिनट हो चुके हैं तो एक बार फिर से मैं इसमें थोड़ा सा लोच लगा लेती हूँ, इसे चिकना कर देते हैं एक बार और अच्छी तरीके से गूंदते हुए। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें डो एकदम सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और एकदम ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए। जैसा डो आप चपाती के लिए लगाते हैं ऐसा ही डो चाहिए। अब इसमें से हमें लोई तोड़नी है, लोई थोड़ी सी मोटी लेनी है, ज़्यादा पतली नहीं बनानी है लोई। अब ये मैंने लोई बना ली है और इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर आपको डालना है सूखा आटा और इसे बेलना स्टार्ट करना है। ये मैं इसे बेल रही हूँ। इसे हमें बड़ा बेल के तैयार करना है, सभी तरफ से एक जैसा बेलना है। बीच बीच में ज़रूरत के अनुसार हम इसमें सूखा आटा डस्ट करते जाएंगे, इस तरह घुमाते हुए सभी तरफ से एक जैसा बेल के इसे तैयार करें। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी बड़ा बेल के इसे तैयार कर दिया है और अब इस पर हम लगाएंगे घी। पूरे पराठे पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको घी लगा लेना है। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे पराठे पर घी लगा लिया है। मैं यहाँ आपको 2 अलग अलग फ्लेवर में ये टमाटर प्याज के लच्छा पराठा बताऊंगी। तो सबसे पहले पराठे में हम डाल रहे हैं चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद आपको इसके ऊपर डालना है जीरा और अब इसके ऊपर आपको डालना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। वैसे तो हरा धनिया हमने जब डो लगाकर तैयार किया था उसमें भी डाला था, लेकिन इस टाइम भी जब हम डाल देंगे तो पराठा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये मैंने धनिया लगाने के बाद इसे फोल्ड करना स्टार्ट किया है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको अंदर की तरफ इसे इस तरह फोल्ड करना है और फिर उसके बाद इस तरह आपको इसकी पंखुड़ियाँ बनानी है। बहुत ईजी है, आगे की तरफ ले जाइए और पीछे से इस तरह प्लेट बनाते हुए इसे इस तरह पंखुड़ी बना दीजिए।
ये देखिए, पहले आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ से इस तरह आपको इसकी प्लेट सी बना देनी है। जिस तरह पेपर का पंखा बनता है उसी तरीके से सेम बनाना है इसे। पर यहाँ ध्यान रखिए कि पतली पतली ही आपको प्लेट बनानी है। आपको पराठे में ये ज़्यादा मोटी मोटी प्लेट्स नहीं डालनी है। जितनी पतली पतली आप प्लेट्स डालेंगे ना, लच्छा पराठा उतना ही अच्छा लच्छेदार बन के तैयार होगा। अब ये लास्ट में इसे इस तरीके से अंदर की तरफ प्लेट बना दीजिए और अब ये हमारा पराठा इस तरीके से तैयार हो गया है। अब इसे कैसे फोल्ड करना है वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से साइड से इसको अंदर की तरफ गोलाई में रोल करना है। इस तरह अंदर की तरफ मोड़ दीजिए और अब इसे घुमाते जाइए और ये लोई अपने आप बनती जाएगी। ये देखिए, और अब जो लास्ट वाला पार्ट है इसे नीचे की तरफ आप मोड़ दीजिए और अब इसे हाथ से थोड़ा सा दबा दीजिए कि हमारी लच्छा पराठा की लोई तैयार हो गई है। और अब इस पर सूखा आटा डालना है आपको और इसे बेल के तैयार करना है। इस पराठे को बेलते समय ध्यान रखिए कि इसे आपको हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए इसे नहीं बेलना है। बच्चों को तो ये बेहद पसंद आते हैं, तो आप दोनों ही फ्लेवर ट्राई करके देखना। डाल दिया है, डालना चाहे तो डाल दीजिए वरना कोई बात नहीं। घी लगाने के बाद आपको इसे